Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. You're watching Jovial Jyoti and this is me, Jyoti Sharma. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry. कल रात की हल्दी के बाद we slept late, but we woke up to a very bad news that my cousin जिसकी शादी हो रही है, उसकी mother-in-law का डेथ हो गया. बिकॉज इन फैक्ट शी वॉज नॉट वेल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स. बट स्टफ हैपन एंड एवरीबडी हैज पैनिक्ड राइट नाउ. मतलब पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी. एंड आई थिंक शी विल गेट मैरिड बट विद वेरी स्मॉल रिचुअल्स एंड ऑल दैट स्टफ. मतलब बहुत ऐसे शोशा नहीं होगा. एंड आई कैन सी द मॉर्निंग हल्दी बिकॉज क्रिस किशन का जनेऊ होने वाला है. तो प्रॉपर लिजिट बिहारी में हम उसे कहते हैं जनेऊ देना, वरना अगर आप थोड़ा फॉर्मल वे में जाओगे तो वी सेड दैट उसका उपनयन संस्कार होने वाला है. तो उसके लिए बहनें जो होती हैं वो अपने भाई को हल्दी लगाती हैं. सो यार दैट्स वाई इट्स ऑन माई चीक्स ऑल्सो. एंड आई डोंट नो, मतलब अब पजल सिचुएशन है अभी. मतलब डोंट नो वट विल हैपन वट नॉट. सो नॉट गोना से मच, वी विल सी. बिकॉज लिटरली अभी कोई चीज़ प्लान नहीं है क्या होगा क्या नहीं. इतना फॉर श्योर है कि उन दोनों का जनेऊ होने वाला है. एंड शादी के बारे में लेट्स सी, आई डोंट नो. आई थिंक दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग द ग्रूम एंड टू गेट द गर्ल मैरिड. लेकिन दोनों की शादी करा देते हैं एंड आफ्टर दैट ओनली दिस all the things will happen. But don't know, I really have no idea. I'm gonna tell you guys and take through it. So let's start the vlog. All dressed up now for the next function. Aur aandhi aur tufaan to itna, kyunki mere to colors abhi tak nahi gaye. I still tried ki main apne makeup se chupa lu but ho nahi paya. Aur sabse weird cheez ki I got selected for yesterday वाला इंटरव्यू एंड नाउ टूडे आई हैव अ फाइनल इंटरव्यू. एंड मैंने सोचा मैं अटेंड नहीं करूँगी क्योंकि 2 बजे से है ना, इट्स ऑलरेडी 1:00 or 1:10. एंड आई वॉज लाइक, देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कॉलेज एंड देयर लाइक, बेटा कर लो. सेड सर द थिंग इज कि आई मीन दिस अटायर, आई कैन स्विच ऑन द वीडियो कॉल राइट नाउ. सो दे आर लाइक जस्ट ट्राई एंड ऑल दैट, ये वो. आई एम लाइक, आई एम जस्ट थिंकिंग आई विल जस्ट गो. इफ आई गिव द इंटरव्यू इट विल बी टोटली इम्प्रॉम्प्टू, कोई आइडिया नहीं है. बट मैं अभी आपको अभी के फंक्शन का दिखाती हूँ सारी चीज. काजल और ये मेन फंक्शन है. मतलब यहाँ से जनेऊ की सारे रिचुअल्स शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे क्रिस किशन का भी जनेऊ स्टार्ट हुआ है. यू नो, इनका मुंडन होना, इन्हें जनेऊ पहनाना एंड ऑल द रिचुअल्स हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर. और ये भी जनेऊ के रिचुअल्स हैं, जिसमें मतलब जितनी भी बहनें होती हैं वो सब खड़ी होंगी और उन्हें मतलब शगन के पैसे, लिफाफे एंड ऑल द स्टाफ दे गेट, लाइक दे गेट फ्रॉम जो भी ऐसे घर की बड़ी औरतें होती हैं उनसे, वो उन्हें आके शगुन के पैसे या कपड़े या फिर दे कैन गिफ्ट गोल्ड ऑल्सो इफ दे वॉन्ट. तो इसके जितने भी सिस्टर्स हैं लाइक कजन्स एंड ऑल, वी आर ऑल स्टैंडिंग देयर बिकॉज वी विल बी गेटिंग मनी.
अरे खोलो नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप लोग इधर देखिए, तू उठा के तो धरा हुआ हूँ, बोल देता जाओ, नहीं नहीं उठ कर और जो अभी रिचुअल कर रही है पिंक साड़ी में वो है मेरी छोटी माँ, मतलब क्रिस किशन की मॉम है, और मतलब यूजुअली माँ ही ये शायद रिचुअल करती हैं। तो ये जो प्लेट में दे रही हैं उसमें यू नो शी गिव अस सम स्वीट्स फ्रूट्स, और क्रिश किशन जब भी जो टकला होने वाला है उसके थोड़े थोड़े बाल हैं उसमें। तो अभी मेरी जो दो कजन्स हैं हुआ मैरिड, दे आर गेटिंग दैट एंड वील बी गेटिंग अ प्लेट फुल ऑफ फ्रूट्स एंड स्वीट्स। एंड नाउ एज यू कैन सी जितनी भी ऐसे साड़ियों में वो सब घर की लेडीज़ हैं जो हमें शगुन के पैसे दे रही हैं। जो सबसे आगे हैं वो मेरी सबसे बड़ी माँ हैं जिनकी बेटी की शादी है, सेकेंड नंबर पे हैं वो मेरी दूसरी नंबर वाली आंटी हैं, थर्ड नंबर पे हु इज़ वेयरिंग अ लाइट स्किन कलर एंड ऑरेंजिश साड़ी, दैट्स माई मॉम। और ये जो सबसे पीछे पर्पल कलर का साड़ी पहन रखा है वो काजल की मॉम है। और ये चारों जने हैं मतलब हमें पैसे वैसे दे रहे हैं सब जने। एंड आई रियली डोंट नो हु वाज रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, और सडनली उसने इतना जूम क्यों कर दिया मेरे पे, मतलब and I really had no idea why my brother took this video, but this is a video where all my uncles are there and with my daddy. एंड नाउ क्रिस किशन का टकला होने का रिचुअल हैज बिगन। तो सबसे पहले बराए किशन, तो उसकी बारी है एंड क्रिश इज स्टिल वेटिंग इन द मंडप, नेक्स्ट बारी उसकी होगी। लेट बहुत हो रही है, एक काम पहले ध्यान से लेट लगाओ, लेट लगा चलेगा सर, बेल छिला गया। ओके, दिस इज़ द रिचुअल जहाँ पे जिन्होंने बाल काटा है उन्होंने क्या किया, क्रिश किशन के साइड साइड में कान पे थोड़े थोड़े बाल छोड़ दिए।
ताकि क्योंकि जब तक पूरे बाल कटते नहीं है तब तक कोई रिचुअल शुरू होगा नहीं, और उन्होंने बाल छोड़ दिया ताकि सबसे शगन के पैसे लें। इन्होंने देखो थोड़े थोड़े दोनों के कान पे बाल छोड़ दिया है ये रिचुअल को आगे बढ़ाने के लिए ताकि इनको और पैसे मिले। पापा जी आप कैशियर हैं। चलिए माँ ₹500 बेटी के बियाह है बड़का नोट एकदम मिल गया। कौन सोलन भी सपने मिला लगा ज्यादा मिल रही है ज्यादा ना मिल रही है ना ज्यादा मिल रही है बेटी से ज्यादा ना ले रही है। हाँ हाँ गोथी पर जय 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 मौसी। Thank you.
करता हूँ सबको। हाँ हो गया। So I don't know if Sunai Nega ki nahi, but I got a pimple. In the middle of function I was taking picture and I realized I got this. मिनी कैमरामैन अच्छे से फोटो लो भैया, उधर देख लो यार, क्रिश फोटो खींच रही है वो। नहीं देख रहा है कैमरा, नहीं आया फोटो। छोटू कैमरामैन क्विक लाइफ अपडेट, अभी बज रहा है रात के 12 बजे एंड दिस इज द प्रिटी फक्ड अप फेस। आई मीन आई एम लिटरली सो टायर्ड, मतलब मुझे आज तक जिंदगी में कभी ऐसे कमर दर्द और ये सब फील नहीं हुआ, बट आई एम लिटरली फीलिंग पेन, एकदम ऐसा लग रहा है मेरे कमर में दर्द हो रहा है, फीलिंग स्लीपी बट अभी सो नहीं सकते बिकॉज आफ्टर ऑल द रिचुअल्स दैट हैज हैपेंड, शादी जो कल होने वाली थी वी आर डूइंग इट टुडे इन द नाइट 12 बजे के बाद, तो अभी घर की सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं एंड वी आर गोना स्टार्ट द वेडिंग थिंग नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट डे वाली चीज़ें 12 बजे रात के बाद, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट व्लॉग एंड आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर बिकॉज ये ज़्यादा बड़ा ना हो जाए एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो बिकॉज आई हैव ट्राई टू कीप इट रियली रियली सिंपल, ज़्यादा कट शॉर्ट और एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करा है मैंने एंड आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, देयर आई विल बी पोस्टिंग स्टोरीज अपडेट्स एंड ऑल दैट स्टफ, सो यू कैन गो चेक इट आउट ओवर देयर एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। पीस आउट।